वीडियो में आपने देखा था कि इंजिन दाओ दाओ को गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है। दाओ दाओ भी खुशी खुशी हाँ कह देती है। रिलेशनशिप में आने के बाद दाओ दाओ इंजिन के घर जाती है। दाओ दाओ अपने बाल सवारने के बाद इंजिन को हेयर बैंड पहनाने लगती है। फिर दोनों बारिश इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर दोनों इधर उधर घूम रहे होते हैं। दाओ दाओ स्पीकर पे ऐलान करती है कि इंजिन सब ठीक है, हम मुश्किलों से नहीं डरते, हम बहादुर हैं। इंजिन बेचारा उसकी बक बक सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि दाओ दाओ कुछ लिख रही होती है और गिटार प्ले करती है। इंजिन उठकर आता है और उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई। दाओ दाओ उठकर इंजिन के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं सॉन्ग लिख रही हूँ, और उसे अपना लिखा हुआ सॉन्ग दिखाती है। ये सुनकर इंजिन खुश होता है। दाओ दाओ से कहती है कि तुम पहले ही स्टेप डाउन हो चुके हो, हम बेकार नहीं बैठ सकते, मैं तुम्हारे लिए सॉन्ग लिख रही हूँ। मुझे एक स्लोगन का ख्याल आया है, मेरी आवाज़ तन्हा लोगों का दिल जीत लेगी। इंजिन कहता है कि तुम मेरे लिए सिंग करोगी। दाओ दाओ कहती है कि तुम्हारी मर्जी। ये कहते ही वो जाने लगती है तो इंजिन उसे पकड़ता है और अपने गोद में बिठाता है और कहता है कि मैं सुनना चाहता हूँ, सुनाओ मुझे। फिर कहता है कि मुझे देखने दो तुमने लिखा क्या है। फिर दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं। दाओ दाओ इंजिन को ब्रेसलेट दिखा कर कहती है कि तुम्हें याद है। इंजिन को तो पहले से ही याद था, तभी तो वो उसके क्लोज आया। नेक्स्ट सीन में इंजिन म्यूजिक सुन रहा होता है। दाओ दाओ आकर बुक से उसे मारती है और कहती है कि तुम क्या सुन रहे हो। इंजिन कहता है कि मैं तुम्हें साइन करूंगा, और फिर सॉन्ग सिंग करने लगता है। लिंडा आती है और कहती है कि ये वो सॉन्ग है जो दाओ दाओ ने राइट किया है। वो सॉन्ग सुनने लगती है और कहती है कि ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, मैं अभी अरेंज करती हूँ, स्टूडियो चलो और रिकॉर्ड करो। दाओ दाओ खुश होने लगती है। इंजिन लिंडा से कहता है कि तुम जाओ और अरेंज करो। दाओ दाओ इंजिन को चेयरअप करती है। फिर हम देखते हैं कि इंजिन को शॉपिंग करने जा रहा होता है तो कोई छुपके से उसका पीछा कर रहा होता है और उसकी पिक्चर्स ले रहा होता है। दाओ दाओ लिंडा के पास जाती है। लिंडा उसे परेशान देखकर कहती है कि क्या हुआ। बिजनेस में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। जो डुअल कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। इंजिन के बारे में जो अफवाहें थी इंटरनेट में बुरी तरह से फैल गई हैं। दाओ दाओ कहती है कि क्या हम कंडक्ट कैंपिंग नहीं चला सकते, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, एटलीस्ट ऐसे बैठने से अच्छा है कि हम कुछ करें। लिंडा कहती है कि ऑडियंस नहीं खरीद सकती, हम सिर्फ बैठकर कोर्ट की रिलिंग का वेट ही कर सकते हैं। शॉपिंग करने के बाद इंजिन दाओ दाओ को कॉल कर रहा होता है। दूसरी तरफ दाओ दाओ को कॉल आती है और उससे बात करके वो चौंक जाती है और फिर जियावे के ऑफिस जाती है। जियावे कहता है कि दाओ दाओ बहुत अरसा हो गया है। दाओ दाओ उसे गुस्से से देख रही होती है। जियावे कहता है कि दाओ दाओ मुझे ऐसे मत देखो कि जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, और अपनी असिस्टेंट को बाहर जाने का इशारा करता है। जियावे दाओ दाओ से कहता है कि हमारी कंपनी का टैलेंट होने की वजह से खुद से जो तुमने किसी के लिए सॉन्ग लिखा था वो फ्लॉप हो गया है, क्या ये इम्प्रॉपर है। ये कहते ही वो फाइल दाओ दाओ को देता है। दाओ दाओ फाइल देख कर कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम मुझे और इंजिन को क्यों परेशान कर रहे हो। जियावे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। दाओ दाओ कहती है कि फिर तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो। जियावे कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारे सॉन्ग की, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यूनाइटेड स्टेट चलो और दोबारा फिर कभी उससे नहीं मिलना, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ सोचने के लिए। दूसरी तरफ इंजिन दाओ दाओ को कॉल करता है और सोचता है कि दाओ दाओ कॉल क्यों नहीं उठा रही। दाओ दाओ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। तभी जियावे की असिस्टेंट कुछ तस्वीरें लेकर आती है। जियावे कहता है कि डुअल कॉन्ट्रैक्ट तो बस एक शुरुआत थी। ये कहते ही वो दाओ दाओ की तरफ तस्वीरें फेंकता है। दाओ दाओ घबरा के तस्वीरें देखने लगती है। जियावे कहता है कि अब इंजिन कम्प्लीटली फ्लॉप हो जाएगा, तुम्हें आराम से सोचना चाहिए। दाओ दाओ तस्वीरें देखती है और कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जियावे हंसने लगता है। दाओ दाओ अपना सामान पैक करके बैठी हुई होती है। जियावे की असिस्टेंट दाओ दाओ के पास जाकर कहती है कि टाइम हो गया है, चलो चलते हैं, जियावे को ज़्यादा वेट मत करवाओ। दाओ दाओ उसे इंतज़ार करने का कहती है। वो उसे 5 मिनट का बोल कर चली जाती है।
दाव दाव बैठ जाती है और परेशान होती है और सब पुरानी बातें याद करके रो रही होती है। इंचिन दाव दाव को कॉल करता है लेकिन दाव दाव का नंबर बंद होता है, तो वो कहता है कि ये फिर से मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। पर उसे क्या पता कि दाव दाव उसे छोड़कर जाने वाली है। थोड़ी देर बाद इंचिन को दाव दाव का मैसेज आता है कि हम अपनी दोस्ती ख़त्म कर लेते हैं। इंचिन मैसेज पढ़कर परेशान हो जाता है और दाव दाव को कॉल करता है। दाव दाव कॉल उठाती है। इंचिन कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रही हो। दाव दाव कुछ नहीं बोलती। इंचिन कहता है कि तुम समझती क्या हो, ये मजाक है, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। दाव दाव कहती है कि चलो ब्रेकअप करते हैं। इंचिन गुस्से से कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, कहाँ हो। दाव दाव रोती है और कहती है कि दोबारा मेरे पास मत आना। इंचिन फिर से पूछता है कि तुम कहाँ हो, तुम वापस आओ, हम बैठकर बात करते हैं। दाव दाव कहती है कि मैं दोबारा वापस नहीं आऊँगी, मैं अब्रॉड जा रही हूँ। तुम तो जानते हो कि हमेशा से मेरा ख्वाब था एक्टर बनने का, तुम फ्लॉप हो गए हो, तुम मेरा ख्याल कभी नहीं रख सकते। इंचिन कहता है कि दाव दाव मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम अब्रॉड किसके साथ जा रही हो, क्या जियावे के साथ जा रही हो। दाव दाव कहती है कि चुप हो जाओ, हमने ब्रेकअप कर लिया है, मेरी मर्जी में जहाँ भी जाऊँ, मेरे बारे में सोचना बंद करो, और फोन रख देती है। इंचिन गुस्से से सामान फेंकने लगता है और पुरानी यादें सोच रहा होता है। दाव दाव रो रही होती है और सोचती है कि इंचिन मैं जा रही हूँ, प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। इंचिन के पास दाव दाव की दोस्त आती है और उसे कहती है कि दाव दाव गायब है और वो ये छोड़कर चली गई। लेकिन इंचिन गुस्से से फाइल फेंक कर कहता है कि मुझे उस बेकार लड़की के सामान में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें छोड़ना उसके लिए सही फैसला था, तुम उसके डेडिकेशन डिजर्व ही नहीं करते, तुम कायर हो। ये सुनकर इंचिन गुस्से से उसके हाथ से फाइल लेकर कहता है कि उसके डेडिकेशन मेरे लिए, मैं तुम्हारी तरह हिपोक्रिटिकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ड्रामे का पार्ट नहीं बनना चाहता। ये कहते ही फाइल उसकी तरफ फेंक कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि इंचिन जॉगिंग कर रहा होता है और उसे दाव दाव की याद सताने लगती है। कहानी 6 महीने आगे चली जाती है जहाँ दाव दाव तो गायब है लेकिन इंचिन एक फेमस आइडल बन गया है। दाव दाव का दूर जाना इंचिन के लिए सही फैसला था। उसके सारे फैंस इंचिन से मिलने आए होते हैं, मीडिया भी वही होती है और इंचिन को वेलकम करती है। इंचिन मीडिया और फैंस को इंटरव्यू दे रहा होता है तो वो इंचिन से उसकी इंस्पिरेशन शेयर करने का कहती है। इंचिन कहता है कि जब मैं अपने लोएस्ट पॉइंट में था तो किसी खास इंसान ने मुझसे कहा था कि तन्हा लोगों के दिल को मेरी आवाज़ छू सकती है। होप आपको वो सॉन्ग अच्छा लगा होगा और ये सॉन्ग तन्हा लोग रात के अंधेरे में सुनते हैं। वहीं दूर से दाव दाव भी खड़ी उसकी बातें सुन रही होती है। लड़की कहती है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इंचिन कहता है हाँ, लेकिन मैंने उसे खो दिया, मुझे लगता है कि वो मुझे सुन रही होगी, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि मेरी असिस्टेंट मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी उसके फैंस इंचिन को सॉन्ग गाने का कहते हैं और इंचिन सॉन्ग गाता है। सॉन्ग सुनाते सुनाते इंचिन की नज़र दाव दाव पे पड़ती है। दाव दाव को पता चलता है कि इंचिन ने उसे पहचान लिया, वो वहाँ से भागने लगती है। इंचिन भी भाग के उसके पीछे जाता है। दाव दाव एक लड़की से टकरा जाती है और उसके हाथ से कुछ गिर जाता है। वो उसे उठाने ही वाली होती है तो इंचिन उसकी हेल्प करता है। फाइनली दोनों एक दूसरे से मिल लेते हैं। दाव दाव वो उठाकर भागने लगती है तो इंचिन भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे आवाज देता है। दाव दाव गिर जाती है और उठकर दोबारा भागने लगती है तो इंचिन उसे पकड़ता है और कहता है कि बहुत अरसे से तुम मुझसे छुप रही हो, क्या तुम थक ही नहीं हो, तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। लेकिन दाव दाव जाने लगती है। इंचिन उसे रोक कर कहता है कि तुम पिछले 6 महीने से कहाँ थी, तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें कितना मिस किया, क्या हम साथ में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तुम्हें लगता है कि मैं ठीक रहूंगा अगर तुम मुझसे दूर हो जाओगी, तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितना हर्ट किया। दाव दाव कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, तुम बस ठीक रहो अगर मैं तुम्हें छोड़ूं। इंचिन कहता है कि दाव दाव क्या तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने ठीक नहीं किया, मैंने कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं की, मैंने हमेशा सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचा और वो सब जो तुमने मेरे लिए किया सब इग्नोर किया।
दाओ दाओ प्लीज दोबारा मुझे मत छोड़ना, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो, मैं वहीं जाऊंगा जहां तुम जाओगी। तभी सारे फैंस आते हैं और कहते हैं कि मैरी हिम। दाओ दाओ कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें दोबारा प्रॉब्लम में डाल दूंगी। इन छिन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि अब फ्यूचर में कभी भी तुम प्रॉब्लम में होगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा। दाओ दाओ इन छिन का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और यहीं पर ये ड्रामा एंड होता है। आई होप कि आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ये ड्रामा और मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।